तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आपका स्वागत है फिर से निरंकाली पे। तो आपको लेके आए निरंकाली सरोवर, तो वो एक्सप्लोर करने वाला है आपको। और निरंकाली सरोवर के बारे में आपको बताएंगे कुछ डिटेल, यहाँ की इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ है। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो ब्लॉग स्टार्ट। हम अंदर तो आ गए थे और ये है यहाँ की पार्किंग जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टू व्हीलर इधर है, फोर व्हीलर उधर है। तो आपको कार्ड भी दिखाते जेब में से निकाल के कि यहाँ का कार्ड कैसा है। तो कुछ इस तरीके का कार्ड है जो कि हमारे को मिला है, देख सकते हो। यहाँ की फोर व्हीलर की पार्किंग कुछ इस तरीके की, जैसे हमने एंटर करा था और पार्किंग हमने वहाँ लगाई थी। और यहाँ से भी सामने जाने का रास्ता, बट हम इधर की साइड से देखते नहीं। ये देख सकते हो, ये पार्क के लिए रास्ता जा रहा है और ये जो बताते हैं ये म्यूजियम के लिए रास्ता जा रहा है। तो म्यूजियम चलते हैं। ये है यहाँ का म्यूजियम जो कि कुछ इस तरीके का। तो चलते हैं अंदर। तो फाइनली यहाँ गए पार्क में म्यूजियम के कवर करके। तो म्यूजियम का कुछ इस तरीके था, म्यूजियम के अंदर वीडियो फोटो कुछ भी अलाउड नहीं थी। बाहर आपका रजिस्ट्रेशन हो ही, कहाँ से आए हो, और मोबाइल आपका बिल्कुल साइलेंट करा दिया जाएगा। और आपको यहाँ पे अंदर जाते ही आपका स्वागत करा जाएगा। फिर आपको जूते के ऊपर कोई चीज़ पहनने के लिए देंगे, जुराब टाइप में वो चीज़ पहनने के। फिर आप अंदर जाओगे, फिर बाहर एग्जिट करोगे, तब आपको वो जुराब उतार के वापसी देनी पड़ेगी। फिर वहाँ पे वीडियो फोटो अलाउड नहीं थी, चक्कर में आपको कैप्चर नहीं कर पाया। बाकी यहाँ का पार्क आपको कैप्चर कर देता हूँ, पार्क बता देते हैं आपको कुछ इस तरीके। और पार्क देख सकते हो कुछ इस तरीके की बैट, एक इस तरीके खूबसूरत पार्क है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है पार्क, जो कि आपको देखने को पूरा कैप्चर करवाने को मिल रहा है कुछ इस तरीके का। और देख सकते हो जगह जगह पे बैठने के पॉइंट हैं कुछ इस तरीके का, जो कि यहाँ पे सत्संग भी होता है, जो कि 28 जनवरी से निरंकालिका सरोवर का सत्संग होता है, जो कि 28 जनवरी से 29 अक्टूबर तक वो भजन गीता होती है, वो आपके यहाँ पे सुनने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके का है, बाकी कुछ इस तरीके का कारण है जो कि आपको यहाँ पे पारा के कुछ इस तरीके का मिलेगा देखने को। और जो कि फाउंटेन शो जो भी बताते, फाउंटेन शो के बारे में भी आपको जानकारी बता रहा हूँ कुछ इस तरीके की है। अभी फाउंटेन शो का जो सिस्टम था, फाउंटेन शो का जो कि कोरोना काल जो हुआ था उस टाइम ये बंद हुआ था फाउंटेन शो, जो कि पहले के अभी वायरल हो रही है वीडियो की फाउंटेन शो का टाइम ये है, ये है तो फाउंटेन शो का टाइम, बट वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। कम से अभी तो दो तीन साल चार साल तो हो गए इसके बंद हुए हुए। तो अभी रिपेयरिंग चल रही है, आपको रिपेयरिंग भी दिखा देते हैं इसकी रिपेयरिंग कैसे चल रही है। और ये रिपेयरिंग होते ही तो फाउंटेन शो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब फाउंटेन शो भी देख सकते हैं आप, और देख सकते हो रिपेयरिंग, देख सकते हो कैसे हो रही है। पास से भी आपको रिपेयरिंग दिखा देंगे किस तरह रिपेयरिंग हो रही है कुछ तरीके की। और कुछ इस तरीके का पार्क है जो कि आपको कैप्चर करने को मिलेगा। और यहाँ से आगे से आओगे तो आपको यहाँ से भी एंट्री मिल जाएगी कुछ इस तरीके की। और यहाँ से कुछ इस तरीके का फाउंटेन शो है कुछ आपको जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि ये और कुछ इस तरीके की रिपेयरिंग हो रही है जो कि आपको देख रहे होगी बिल्कुल सामने, देख सकते हो आप रिपेयरिंग कैसे हो रही है आराम। और ये सैटरडे संडे इसका कुछ इस तरीके का शो होता है, सैटरडे संडे ही होता है ओनली, बाकी मंडे को ये ऑफ रहता है कुछ इस तरीके का, जो कि आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके का। यहाँ पे फूल भी है जो कि खिला हुआ, और जो फाउंटेन शो होता हुआ बहुत प्यारा लगता हुआ चलता हुआ, आपको मैंने जो जानकारी थी वो आपको क्लियर करा दी यहाँ की। और फाउंटेन शो के लिए आपको पहले पूरा रास्ता बंद कर दिया, तो फाउंटेन शो चालू हो जाएगा तो आपको ये वाला रास्ता भी खुला हुआ मिलेगा आपको अंदर के लिए। कुछ तरीके का व्यू है देख सकते हो आप, देखो काम चल रहा है ना A to Z, मैंने क्या बोला काम चल रहा है, अभी किसी का ब्लॉक नहीं आया हम बता रहे हैं आपको यहाँ की। बाकी मैं साइडों से आपको इस तरह के व्यू दिखा देता हूँ, आसपास के पॉइंट के व्यू दिखा देता हूँ, और यहाँ पे झरने दिखा देता हूँ प्यारे प्यारे। और देखो सत्संग की तैयारी हो रही है सामने, जो कि मैंने आपको बताया था सत्संग की भी तैयारी होने लग रही है स्टार्ट बिल्कुल यहाँ पे कुछ इस तरीके का। क्योंकि बाकी और आगे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके के पॉइंट देखने को मिलेंगे, बट इसमें पानी भी था नहीं आज या कल में, पानी भी इसमें A to Z स्टार्ट कर दिया, देख सकते हो कुछ इस तरीके का। पानी भी कितना क्लीन है, साफ सुथरा है। और सामने आपका म्यूजियम था जो मैंने आपको बताया था, वहाँ से म्यूजियम है। और ये यहाँ पे होगा आपको फाउंटेन शो, फाउंटेन शो का यहाँ पे काम चल रहा है जो कि कुछ इस तरीके का। और फाउंटेन शो की टाइमिंग बता दीजिए, तो टाइमिंग इसकी सुबह 9 से 12, ठीक है, सुबह 9 से 12, और रात के चलने का शाम से 4 बजे से रात के 8 बजे तक कुछ इस तरीके की टाइमिंग है, जो कि यहाँ पे फाउंटेन शो आपको देखने को मिलेगा। और फाउंटेन शो जब चल रहा होगा तो आपको जगह जगह से रास्ते दे रखे हैं अंदर जाने के, अंदर तक मैं जा नहीं सकता, काम चल रहा है इस कारण। और देख सकते हो जगह जाओ कुछ इस तरीके का व्यू है। बाकी बैठने के लिए आपको कुछ तरीके का पार्क मिल जाएगा, जो कि आपको देख सकते हो A to Z यहाँ पे आपको। और फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है कुछ इस दौरान, आपको पार्क दिख रहेगा बैठने का। बाकी कुछ इस तरीके का यहाँ पे पार्क भी मिल जाएगा कुछ इस तरीके का गार्डन टाइप में। और ये आपको मिलेगा बिल्कुल म्यूजियम के अटैच में, बिल्कुल पार्क मिलेगा कुछ इस तरीके की, हरियाली हरियाली दिखेगी। और पेड़ के बीचों में आपको एक कुर्सियाँ लगी हुई मिल जाएगी जो कि आपको बैठने के लिए प्यारी जी, जो कि देख सकते हो कितनी हरियाली में आपको आके इंजॉय कर सकते हो पूरी मज़े की तरह।
और आज के टाइम में भाई झूठ मत बोलो सच बोलो, आपसे यही गुजारिश करूँगा। और सामने मोटा भाई बैठा हुआ है आराम से, और यहाँ पे भी आप आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हो, और पंखा भी ऑन कर सकते हो सामने आराम से, पंखा भी ऑन हो सकता है शायद, हाँ पंखा भी ऑन हो जाएगा। और ये पंखे के खटके हैं, पंखा तो ख़राब है शायद, पंखा ख़राब है, तो कुछ इस तरीके का पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे बैठने को मिलेगा। सिस्टम है भाई, सिस्टम तो कुछ इस तरीके का, आसपास का देखने में कुछ इस तरीके ग्रीनरी है जो कि आपको देखने में कैप्चर करने में मिलेगी यहाँ पे। तो फाइनली कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा यहाँ पे बैठने के लिए आपको, जो कि आपको यहाँ पे बैठने के लिए मिल जाएगा पॉइंट कुछ इस तरीके का। यहाँ पे फोटो वीडियो खिंचवा सकते हो, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का व्यू है। और सामने आपको पार्क दिख जाएगा इतना प्यारा है, और फाउंटेन सामने ही है इसके ब्लू अटैच वो कुछ इस तरीके का। और घासों पर जाने के लिए मना करते हैं लोग, पता नहीं कुछ कारण होगा इसके चक्कर, जो कि ये रोड दे रखे हैं जो कि पत्थर उस पर चलने के लिए कहते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पे व्यू मिल जाएगा बैठने का। तो फाइनली कुछ इस तरीके का था गार्डन जो कि मैंने आपको कैप्चर कराया, और ये था कुछ इस तरीके का पॉइंट जो कि मैंने आपको कैप्चर करा, वो वहाँ पे हमने सेल्फी खींची थी जो भी आपने दिखाई, और कुछ इस तरीके का। और ये था म्यूजियम सामने आपका, और ये थी यहाँ पे ब्यूटीफुल फूल, कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, और सामने अंकल गार्ड वाले अंकल बैठे हैं। तो कुछ इस तरीके ब्लॉग का जो मैंने आपको दिखाया, और बाहर से मैंने इस एंटर नहीं दिखा पाया कि क्योंकि बाहर से चेकिंग होती है, एक तो पार्किंग इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट थी, पार्किंग भी इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, एंट्री फ्री कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो आके आपको मजे लेने एंजॉय करना है, और म्यूजियम के बारे में आपको डिटेल मिलेगी, तो आके कैप्चर कर सकते हो ये चीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा तो वेटिंग फॉर न्यू ब्लॉग, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।